हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ चल रहा है कि डिविडेंड टैक्सेशन की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव आएगा और ये आपको कैसे असर करेगा, फ़ायदा होगा या नुकसान, आइए अब इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका थिंकिंग है कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो कॉरपोरेट से हटा के इन्वेस्टर्स पर ट्रांसफ़र किए जाए। दोस्तों, यानी कि अभी जो टैक्स है वो कंपनी पे कर रही है और डिविडेंड जो होता है वो इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्स फ्री रहता है अप टू 10 लाख रुपीज़, और फ्यूचर में जो इन्वेस्टर्स है उसको पे करना है डिविडेंड पे टैक्स, यानी कि कंपनी को कुछ भी नहीं करना है, इन्वेस्टर्स को पे करना है। अभी ये जो न्यूज़ है ये कन्फर्म नहीं है, हाउ एग्जैक्टली इट विल वर्क वो भी किसी को नहीं पता है, लेकिन आइए अब हम कुछ केसेस प्रेजेंट करते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली जो भी कंपनीज होती है वो अपना एक प्रॉफिट जनरेट करती है, अगर वो प्रॉफिट करती है तो उसके कुछ परसेंटेज एज अ कैश फ्लो एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर्स को वापस देती है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट। और सपोज़ कोई कंपनी 100 रुपया डिविडेंड देती है आउट ऑफ 1000 रुपीज़ प्रॉफिट, देन इट हैज़ टू पे टैक्स ऑफ 20 रुपीज़, यानी कि नियरली 20% ऑन 100 रुपीज़ हमने कंसीडर किया है 20 रुपीज़ ऑन इट। सो जो टोटल वैल्यू रहती है प्रॉफिट में से वो 120 रुपीज़ माइनस हो जाती है और बाकी का प्रॉफिट वो अपने पास रखती है। यानी और दूसरा जो 100 रुपये मिलता है डिविडेंड में 100 रुपीज़ वो टैक्स फ्री होते हैं इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर अप टू 10 लाख रुपीज़, यानी कि जो 1000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ उसमें से 100 रुपया डिविडेंड दिया, उस पर 20% टैक्स लगा 100 रुपये पे, वो 20 रुपीज़ हुआ, यानी कि 880 रुपीज़ उसके पास प्रॉफिट रहा, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या तो रिजर्व फंड रख सकते हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कोई भी कंपनी होती है वो अपने प्रॉफिट जनरेशन जो होता है उसमें से नए बिजनेस में इन्वेस्ट करती है और वो आगे ग्रोथ करती है। तो दोस्तों, एक रेशियो होता है 20-30% ऑफ प्रॉफिट फॉर डिविडेंड पे आउट, अगर वो कोई कंपनी मेंटेन करती है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अगर ज़्यादा दे रही है तो कुछ गड़बड़ है। जो भी कंपनीज का बिजनेस सेचूरेट हो चुका है अगर वो ज़्यादा पे कर रही है तो कोई बात नहीं है, उनके पास नया इन्वेस्टमेंट करने के ज़्यादा स्कोप नहीं होते तो वो डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करते हैं। लेकिन अगर नया ही बिजनेस है, नई कंपनी यंग है और ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो वो थोड़ा रिस्की बात है, क्योंकि उसको ग्रोथ करने के लिए, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, नया प्लांट डालने के लिए, नया R&D करने के लिए फंड्स चाहिए और वो फंड्स आता है प्रॉफिट से। अगर वो प्रॉफिट से अगर डिविडेंड भी दे रही है और मार्केट से इंटरेस्ट पे पैसा ले रही है तो वो गलत बात है। तो दोस्तों, ये था अभी का केस, और आइए अब देखते हैं कि और जो गवर्नमेंट सोच रही है उसमें क्या हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे 1000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 120 रुपीज़, यानी कि 100 रुपया डिविडेंड प्लस 20 रुपीज़ टैक्स जो कंपनी इन्वेस्टर को पे कर रही थी वो टोटली 120 रुपीज़ इन्वेस्टर को पे कर सकती है, या तो 100 रुपीज़ भी कर सकती है, वो कंपनी पे डिपेंड है वो उसको कितना करना है। लेकिन प्रॉबेबिलिटी और सेम केस लेके अगर हम चले तो वो 120 रुपीज़ इन्वेस्टर को पे कर सकती है, तो 880 रुपीज़ सेम एज अर्लियर केस उसके पास रिजर्व रहेगा, तो कंपनी के लिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अभी आइए बात करते हैं इन्वेस्टर में क्या बदलाव आएगा। तो इन्वेस्टर को जो 120 रुपीज़ डिविडेंड मिला, अगर इसको इनकम में क्लब करके माइनस करेंगे तो जो भी टैक्स ब्रैकेट आता है 20-25% वॉट एवर इट इज़, तो 10 भी अगर कंसिडर करते हैं तो 120 का 10% यानी 12 रुपीज़ माइनस हो गए, यानी 108 रुपीज़ डिविडेंड मिलेगा। और अगर वो 20% के ब्रैकेट में है तो 120-24 96 रुपीज़ का डिविडेंड उसके हाथ में आएगा, और इस हिसाब से अगर 30% से ज़्यादा था और भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सिनारियो ये है कि पहले 100 रुपया अगर आपको डिविडेंड मिलता था, अगर टैक्सेबल इनकम में ऐड करके अगर माइनस करते हैं तो 10% और कम इनकम वाले को ज़्यादा बेनिफिट होगा, 8 रुपीज़ ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, और जो ज़्यादा टैक्स वाले हैं उसको कम डिविडेंड मिलेगा। और हमारे हिसाब से गवर्नमेंट यही सोच रही है कि छोटे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो और उसकी वजह से ये बदलाव कर रही है, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ये टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा या सेपरेटली एज अ डिविडेंड इनकम गिनेगी। अगर सेपरेटली डिविडेंड इनकम गिन के उस पर फ्लैट 10% या 15% टैक्स लगाते हैं, देन
इट्स नॉट गुड फॉर इन्वेस्टर, लेकिन फ़ायदा ये रहेगा कि पहले कॉरपोरेट पे ज़्यादा टैक्स था और इसमें कम हो जाएगा, तो वो ओवरऑल तो स्मॉल इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ही रहेगा। तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड है कि नई पॉलिसी कैसे आती है और गवर्नमेंट क्या बदलाव लाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट का थिंकिंग है वो इन एनी केस इट विल बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स, चाहे वो इनकम में ऐड करके टैक्सेबल करे या सेपरेटली टैक्स देके बेनिफिट दे, बेनिफिट तो स्मॉल इन्वेस्टर को होने ही वाला है। ये दोनों केस हमने आपको बताए, जैसे जैसे टैक्स लिमिट बढ़ेगा वो बड़े जो इनकम वाले लोग हैं उनको ही ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो गवर्नमेंट का ये थिंकिंग है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है आइधर कंपनी अपने पास रख के ज़्यादा ग्रोथ करे, दूसरे बिजनेसेस में लगाए ताकि कंट्री का बिजनेस ग्रो हो, या तो फिर इन्वेस्टर को फ़ायदा हो छोटे इन्वेस्टर को। तो दोस्तों ओवरऑल इट इज़ अ गुड स्टेप्स दैट गवर्नमेंट आर टेकिंग, और उसमें कोई भी निवेशकों को नुकसान नहीं होने वाला है, तो आप डरिए मत। और आप अगर सोच रहे हो कि डिविडेंड पे आउट वाला स्टॉक है मैं बेच देता हूँ, आपने कम प्राइस पे लिया है, अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट है, डोंट वरी, वेट एंड वॉच टिल नेक्स्ट बजट। ये कैसे काम करता है मैकेनिज्म, कैसे स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, उस पर काफ़ी डिपेंडेंट है, लेकिन एनी हाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक बिग लॉस टू एनी स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन डिविडेंड टैक्सेबल पॉलिसी। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।